जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मेरे साथ है बहुत ही स्पेशल मेहमान सीए कपिल जैन जी, जिनका खुद का अपना यूट्यूब चैनल है केजे क्लासेस के नाम से, प्लस साथ में सर बड़ी ही सरल भाषा में अपने यूट्यूब चैनल पे जीएसटी की वीडियोस भी देते हैं, प्लस साथ में सर उनकी क्लासेस भी देते हैं, पूरे पूरे कोर्स भी देते हैं। सीए इंटर के बच्चों के लिए सर स्पेसिफिकली या सीए फाइनल के लिए? प्रोफेशनल्स, ओके प्रोफेशनल्स के लिए, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सीए, बीकॉम बीबीए, जो भी बंदा जीएसटी सीखना चाहता है सर के चैनल पे वीडियोस देख सकते हो, प्लस साथ में सर के कोर्सेज भी आप देख सकते हो। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी रिक्वेस्ट पे आप आए। सर धन्यवाद आपका कि आपने हमें बुलाया। नहीं सर, नहीं सर, धन्यवाद मेरी तरफ से पहले आपको जाएगा। आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं, मेरे लिए बहुत ही जोश की बात है कि सर, हाँ सर, मेरे एक रिक्वेस्ट पे सर आप आए और मेरे चैनल पे अपना पॉडकास्ट, अपने जीवन से रिलेटेड पॉडकास्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑडियंस को जाननी चाहिए कि हाँ हम जिनको सुनते हैं उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। इट्स नॉट लाइक कि एवरीबॉडी इज बॉर्न विद सिल्वर चम्मच, यू नो, सिल्वर चम्मच के साथ पैदा होना, सिल्वर स्पून के साथ पैदा होना हर बंदे के शायद नसीब में नहीं होता, लेकिन सिल्वर स्पून के साथ जीवन काटना आपके हाथ में होता है दोस्तों। उसी की एक मिसाल है सर कपिल जैन सर। आइए सर की लाइफ के बारे में जानते हैं। सर सीए की स्टार्ट होने से पहले लाइफ कैसी थी, उस टाइम पे आपने कैसे सीए में पढ़ाई स्टार्ट की और कैसे किया, सर थोड़ा सा हमें ऑडियंस को बताइए। देखो राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सीए जो मैं बना, ठीक है ना, मैं सीए पता नहीं मैं उसके लायक था भी या नहीं, क्योंकि मैं तो आपको सही बात बताऊं, मैं तो एक 1200 रुपए महीना की नौकरी करता था। अच्छा। एक प्रोविजन स्टोर जिसे आप बोलते हो, परचून की दुकान, मैं तो वहां पर 1200 रुपए महीना की नौकरी करता था। उसके बाद मैं टीचिंग शुरू करी मैंने 2007 में कंप्यूटर सेंटर पे, तो वहां पर मेरी जो नौकरी थी वो 2000 रुपए महीना की थी, ठीक है ना। जब मैं पहली बार अकाउंटेंट बना तो उस टाइम मेरी जो नौकरी थी वो 6000 रुपए महीना की थी। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, हमारे पिताजी पे पैसे नहीं थे कि कोई बिजनेस करा दे, ठीक है ना। तो हमने सोचा क्या करना भाई, नौकरी करनी है, तो हम नौकरी कर रहे थे 6000 रुपए महीना की एज अकाउंटेंट। वो तो भाग्य से जब हम अपनी बैलेंस शीट फाइनल करवाने गए, हमारे जो जहां पर मेरी आर्टिकल स्वीप हुई सीए कमल जैन सर, जब हमने उनको देखा कि भाई सीए की लाइफ तो एक बहुत बढ़िया लाइफ होती है, तब हमारे मन में हुआ कि भाई सीए कर लेते हैं। तो हमने उस टाइम पर सीए करने की सोची, ठीक है ना। तो वहां पर जब हमने सीए करने की सोची, 6000 रुपए पर मंथ सैलरी थी हमारी, अपनी सैलरी में से ही पैसे बचाते थे, ठीक है ना। और फिर हम सीए की जो फीस वीस थी फाउंडेशन, उस टाइम पे हमारा सीपीटी होता था, तो हमने उसकी फीस वहां से दी, और उसके बाद तो वो जॉब भी छूट गई। अच्छा, क्योंकि भाई अब तो आर्टिकलशिप करनी है ना। हाँ, ठीक बात है। तो जब आर्टिकलशिप करनी है तो भाई स्टाइफंड भी कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, स्टाइफंड जो हमारे सर थे वो बहुत बढ़िया थे। चलो बहुत अच्छी बात है। स्टाइफंड मेरे को बहुत बढ़िया मिलता था। ओके। तो लेकिन क्या था ना, लाइफ में स्ट्रगल थे, मेरे को कोई ये नहीं सोच सकता था कि ये सीए कर रहा होगा। मेरे फादर ने किसी को बोल दिया कि मेरा बेटा सीए कर रहा है, ठीक है ना, जैसे रिलेटेड में होते हैं, तो उन्होंने कहा आपको थोड़ा सा डाउट हो गया होगा कि कोई और कोर्स कर रहा होगा आईसीए कंप्यूटर अकाउंटेंट का। पापा ने कहा नहीं यार, बताता तो वो सीए ही है, क्योंकि जो मेरे फादर थे ना वो एक तरीके से स्ट्रीट वेंडर थे। जैसे आप देखते हो ना दिल्ली में बाजार लगते हैं, मंगल बाजार, शुक्र बाजार, उसके अंदर वो जुराबे बेचते थे। तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि जो व्यक्ति महीने के 5000-6000 रुपए कमा रहा है वो अपने बेटे को सीए करा भी सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो था, ये जर्नी इस तरीके से हुई। लेकिन टचवुड, भगवान की दुआ से सीपीटी सीए इंटर और फाइनल सारा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता चला गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत मतलब 4 साल से भी कम समय में मेरा सीए निकल गया था। मतलब मुझे बहुत चीजों को जल्दी करना था, तो मेरा वहां से वो निकला। लेकिन हाँ, उससे पहले स्ट्रगल रहे। मैंने 15 अगस्त पे पतंगे बेची है, मैंने दिवाली पर पटाखे बेचे हैं, मैंने न्यूयर पे ग्रीटिंग बेचे, अब तो नहीं चलते ग्रीटिंग, पहले चलते थे। हाँ, होली पे मैंने रंग बेचे, मैंने कोई फेस्टिवल नहीं मनाया अपना। मैं 16 अगस्त को पतंग उड़ाता था जब कोई नहीं उड़ाता था। आप मेरी बात को समझो, अगर पटाखे बच गए तो फोड़ लेंगे, नहीं तो भैया दिवाली मन गई, प्रॉफिट हो गया, बात खत्म। अब देखो दोस्तों, हमें जरा सा भी दर्द हो जाता है अगर आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़े, तो क्या आप लाइफ को बैक दोगे कि हाँ भाई कोई बात नहीं, मुझे कितनी मर्जी स्ट्रगल्स दे मैं खड़ा हूं। यही चीज की मिसाल है सर। अगर इतनी स्ट्रगल्स के बावजूद कोई बंदा
सीए बन रहा है और उसके बाद यूट्यूब पे 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। दोस्तों 20,000 करने में मेरी बस हो गई है, 20,000 नहीं हो के दे रहे, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। तो सर की पता नहीं कैसे रिक्वेस्ट, सर की मतलब प्रभु का आशीर्वाद समझो या जो मर्जी समझो, सर का पावर समझो, सर के गुड लक समझो, सर की नॉलेज समझो, उन सबको देखते हुए 2 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंचने में भाई साहब मेहनत तो बहुत लगती है सर, इसके बारे में बताइए सर मेहनत ये यूट्यूब बनाने का कैसे सोचा सर? देखो साहब मैं ये जो यूट्यूब था मैं तो एक प्राइवेट ठीक है सेंटर पे पढ़ाता था। हाँ। तो वहां पर जब मैं जीएसटी पढ़ा रहा था 2016-17-18 तो वहां पर 40 बच्चों का क्लासरूम था, उन्हें ही पढ़ाता था मैं। ठीक है ठीक है, मेरे पार्टनर है ठीक है ना मनीष अग्रवाल जी, जिनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जीएसटी प्लेटफॉर्म के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है जिसपे 2.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने यूट्यूब चलाया ठीक है ना, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम भी यूट्यूब बना लो। मैंने कहा तुम्हारा भी जीएसटी का चैनल है, मैं भी जीएसटी बनाऊंगा, कौन ऐसे कंपटीशन हो जाएगा। कह रहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल बनवाया, उन्होंने शुरुआत में 2-3-4 महीने पूरा मॉनिटर करा कि कपिल ऐसे थंबनेल डालना है, कपिल ये चीज नहीं करनी, खुद यूट्यूब नहीं देखना, क्योंकि उन्हें एक एक्सपीरियंस हो चुका था। तो मेरा तो यूट्यूब चैनल ग्रो करने में बेसिक तो उन्हीं का हाथ था सारा ठीक है, उन्होंने मेरी हैंड होल्डिंग करी। उसके बाद तो मैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे गया, उनके साथ वीडियोस बनाई ठीक है ना, और उसके लोगों का प्यार मिलता रहा तो यूट्यूब बनाते रहे। कई बार अब समय भी नहीं होता तो जब भी लेकिन यूट्यूब पर आते हैं फिर भी हमारा ग्रो हो जाता है। इसमें क्या है ना, आप वो कंटेंट दो जो बाकी लोग नहीं दे रहे, बिल्कुल ठीक बात है, और जो सामने वाले का यूजर है ना जो वो चाहता है अच्छी चीजों को सुनना, अच्छी चीजों को सीखना। और आप YouTube में ना सर अगर जीएसटी और इनकम टैक्स में हो तो थोड़ा फास्ट भी होना पड़ेगा भाई, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, आप अगर जितनी लेट आओगे तो वो दिक्कत है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये सारी चीजें और समय के साथ चलना पड़ेगा तो मतलब ग्रो हो जाएगा, टेंशन नहीं सर, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना सर। सेम डे वीडियो कैसे बनाएं सर, बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, ऐसे बंदों के लिए जो प्रॉपर प्रैक्टिस में है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। 6 बजे के बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आ गई तो भाई अब वापस ऑफिस तो नहीं आया जाएगा ना। नहीं, उसमें मैं यही चीज बताऊंगा कि कई बार क्या होता है जैसे ऑफिस पे आपका पूरा सेटअप है, अब 6-7 बजे के बाद चले गए तो एक ना मतलब सेकेंडरी सेटअप आप रखो जिसमें ना कई बार हमारे जो यूजर्स होते हैं ना हमें बड़ा प्यार करते हैं, वो ये कहते हैं कि चलो ठीक है यार मतलब नोटिफिकेशन आ गई सुननी कपिल जैन की, बाकी लोगों ने बोल दिया कपिल जैन के मुंह से सुनेंगे, राहुल भाई के मुंह से सुनेंगे तब अच्छा लगेगा। तो वहां पर अगर आपका प्रॉपर सेटअप भी नहीं होगा ना तो भी चलेगा, तो भी वो आप डाल दो लेकिन फिर बाद में उसे डिटेल में बना देना ठीक है। और सर देखो कुछ पाने के लिए ना कुछ तो होना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। चलो ये मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है सर की तरफ से कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा सर एक बात और बताइए, अब जो बहुत बड़ी बात है वो है कि सर प्रोफेशन के हित के लिए, हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की कम्युनिटी के लिए सर NIRC के इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, जिसके अंदर हमारे नॉर्थ इंडिया के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाई वोट करेंगे और अपने NIRC के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। सर प्रोफेशन की हित में आकर अपना कीमती समय यूट्यूब से निकाल कर इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमें सर को सपोर्ट करना है, सर ये बताइए ये पावर कहां से मिली, अब इलेक्शंस का नया मतलब जोश कहां से नहीं, मिला? नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं ना 2017-18 की बात करूं, हाँ, जब मैं स्टेज ढूंढ रहा था, हाँ, प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था, बिल्कुल ठीक है, तो मुझे कहीं पर स्टेज और प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बिल्कुल ठीक, बहुत कम जगह ऐसी थी जहां पर मिला। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई हम अपना खुद प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया, यूट्यूब हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, हम हर संडे टू संडे वेबिनार सेमिनार करते हैं, कोई हमें बुलाए या ना बुलाए तो हमने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया जी, हमें तो अगर नॉलेज देनी है तो हम खुद दे देंगे कोई नहीं। अब जब हमारा प्लेटफॉर्म ये बन गया, अब हमने सोचा कि हमें और बड़ा करना है, बिल्कुल ठीक ठीक है, और बड़ा करने के लिए कि भैया इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो NIRC का प्लेटफॉर्म है इसके जरिए जो हमारे CA भाई है हम उन्हें और क्या दे सकते हैं, उनकी इनकम की ग्रोथ हो, नॉलेज की ग्रोथ हो, वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सर आप समझो ना एक अकेला कपिल जैन तो कुछ नहीं कर सकता ना जब तक उसके पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं होगा। तो सर इसी सोच के साथ हम NIRC के अंदर हमने पहली बार ठीक है ना ये कदम रखा है कि अगर हमारे को मेंबर्स एक्सेप्ट करेंगे तो हम बहुत आगे तक जाएंगे और अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो और कुछ करेंगे। नहीं क्यों नहीं करेंगे सर, 100% करेंगे ना दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना है।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पूरा मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल, 1 जुलाई को ही सीए डे पे ही करा है अपना नॉमिनेशन, और मतलब एक हफ्ते के अंदर मेरे को। सर एक बात बताओ, आप किसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हो यार? हम मेंबर्स के लिए तो इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम ही सपोर्ट ना करें, ये क्या लॉजिकल बात है यार? दोस्तों हमें सपोर्ट करना ही करना है, क्योंकि जिस तरीके की सर नॉलेज रखते हैं, जिस तरीके का सर टाइम डिवोट कर सकते हैं, शायद मैं भी नहीं कर सकता सर, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं सर अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। आज आप यहाँ पे आए हो तो भी आप अपना कीमती समय दे रहे हो सर। हम प्रोफेशनल्स के पास क्या है सर? टाइम ही तो ऐसे रहे और है क्या, बताइए। हमारे पास कोई मटेरियल नहीं, हमारे पास कोई आईफोन नहीं है, हमारे पास कोई पेड़ नहीं है जिसको हम बेच सकते हैं। हमारे पास अपना समय ही तो है सर, और वो भी 8 ही घंटे है सर, 16 घंटे तो घर पे निकलता है, जहाँ पे डांट खानी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। तो सर को पक्का से सपोर्ट करना है सर, कोई एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए सर? देखो ऑडियंस के लिए एडवाइस यही है, देखो पूरा मत मानना, जो नॉलेज लेगा, नॉलेज इज पावर, चाहे वो एडवोकेट ले ले, चाहे वो अकाउंटेंट्स ले ले, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ले ले, बिल्कुल ठीक। आपको अपनी ईगो को साइड रख के आपको नॉलेज कंटिन्यूस लेनी पड़ेगी। अगर आप कंटिन्यूस नॉलेज ले रहे हैं तो आप ग्रो करेंगे। जैसे मैं राहुल जी के बारे में बताऊं, जब मैंने इनका यूट्यूब चैनल देखा, इन्होंने क्या करा कि बिल्कुल अलग नॉलेज ली कि भाई हम तो क्रिप्टो पे टैक्सेशन बताएंगे। बिल्कुल, अब आप बिलीव करना सर, बुरा मत मानना, जितने भी प्रोफेशनल है ना, 1% लोग भी नहीं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे। और सर क्रिप्टो की 10 करोड़ केवाईसी है बाइनेंस पे, अगर वो आईटीआर भरने पे आए ना भाई साहब, भर नहीं पाओगे, कितने मर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा लेना। तो मेन मुद्दा क्या है ना, आप जो कर रहे हो कुछ अलग करो, अलग तरीके से करो, तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सक्सेस ना मिले। तो इसी तरीके से ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है सर, हमें पता ही नहीं रहता, हमारे तक वो कम्युनिकेशन आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीजें है कि कुछ बड़ा करें, कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म हो कि सारे प्रोफेशनल भाई ग्रो करें, हमारा यही पर्पज है सर। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद कपिल सर, हमारे शॉर्ट नोटिस पे आप आए और हमारे प्रोफेशन के हित के लिए, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी के लिए आप इलेक्शन फाइट कर रहे हो, और यस वी विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। और सबसे पहले आप ही को NIRC का इलेक्टेड मेंबर बनना है सर, नंबर वन पे लाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही नया नया कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। और सर की पर्सनल लाइफ के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, मेहनत करना ना भूलें, आज के पॉडकास्ट से मैंने तो ये सीखा है, आप भी बताइए। जय हिंद दोस्तों। लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीवन यू मीट इन योर लाइफ, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.